नमस्कार। आज मैं व्रत की रेसिपीज लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने लिया है साबूदाना। मैंने आधी कटोरी साबूदाना को 2 घंटे पहले भिगोकर रख लिया था। बॉइल्ड पोटैटो, इनको मैंने कट कर लिया है। मूंगफली के दाने, एक मैंने ग्रेटेड पोटैटो लिया है। घी, भुना जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा, हरी मिर्च कटी हुई और ये धनिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोटैटो की रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई रख ली है। इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। तो अब इसमें डाल लेते हैं हम ये मूंगफली के दाने, जो मैंने 1.5 चम्मच लिए हैं, और इनको भून लेते हैं। तो मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसमें डाल लेते हैं 1 हरी मिर्च जो कटी हुई है। इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़े से कड़ी पत्ते। अब हम डाल लेंगे इसमें आलू। हम ये जो मूंगफली है इसको डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर लेते हैं हम धनिया पत्ता। व्रत के आलू तो तैयार है, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। तो अब जो साबूदाना है इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पानी डाल के पीस लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी और इसको पीस लेते हैं। साबूदाना को मैंने पीस लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसमें डालेंगे हम ये जो हमने ग्रेटेड आलू है उसको इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच में डाल लेते हैं जीरा, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये हरी मिर्च। और ये धनिया पत्ता। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मटर हमारा रेडी हो गया, तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो मैंने रख दिया है नॉन स्टिक तवा गैस पर और गैस ऑन कर लेते हैं। और इसमें हल्का सा घी लगा लेंगे। हम एक तरफ से पहले सिक ले देंगे। तो इसके ऊपर से भी हम हल्का सा घी डाल लेंगे और इसको पलट लेते हैं। आप इसे डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं। यदि आप इसे पतला फैलाएंगे तो डोसा बन जाएगा और आप यदि इसे थोड़ा थिक रखेंगे तो चीला बन जाएगा। तो दूसरी तरफ से भी ये सिक गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो बाकी के भी इसी तरीके से बना लेते हैं। अब मैं इसे थोड़ा थिक कर दूंगी।
बना लेते हैं तीसरी रेसिपी। तो मैंने ये लिया दही। अब मैं एक बाउल लूंगी, उसमें मैं डालूंगी ये आलू। मैंने एक छोटा आलू कट करके ले लिया बॉइल्ड, और ये मैंने दही को फेंट लिया है, इसी में डाल लेंगे हम। अब इसमें डाल लेते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ता। चलिए तड़का बना लेते हैं। तो मैंने एक तड़के पैन पे थोड़ा सा घी डाल लिया है आधे चम्मच के करीबन, तो उसे हम गरम कर लेते हैं। घी हमारा गरम हो गया, तो इसमें हम डाल लेंगे आधी चम्मच जीरा, इसी में हम डाल लेंगे हरी मिर्च। तो तड़का हमारा तैयार है, चलो इसे दही में मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तैयार हो गया आलू का रायता। तो बना लेते हैं अब एक और रेसिपी, बनाएंगे अब साबुदाना बड़ा। तो ये मैंने भीगे हुए साबुदाना लिए हैं आधी कटोरी, जिनको मैंने भिगो के ले लिया है, और ये दो आलू लिए हैं बॉइल्ड, जिनको मैंने मैश कर रखा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये साबुदाना, इसी में हम डालेंगे आलू। अब इसमें डाल लेंगे साबुत जीरा आधे चम्मच, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर आधे चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बड़े का भी हमने बैटर तैयार कर लिया है, तो इसके बड़े बना लेते हैं। आप चाहे तो गोल दे दें, आप टिक्की की भी शेप दे सकते हैं, मैं इस टाइप से दे रही हूँ। तो हमने सभी बड़े तैयार कर लिए, चलो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें हम डाल लेते हैं अपने बड़े। अब इन्हें हमें दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक तल लेना है। तो इन्हें हम पलट लेते हैं। तो बड़े हमारे दोनों तरफ से गोल्डन कलर के हो गए हैं और अच्छे से तल गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। व्रत की थाली एकदम रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।